शादियां करते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ियों की रिकमीशन जो भी आप अपने दुनिया के काम करते हैं, अगर कर्जा लेकर करें तो वो हम कर सकते हैं। इसी जोश जज्बों के साथ हमें खुदा के काम में भी हिस्सा लेना चाहिए। आप कहेंगे भाई नगर हमेशा अपनी दरानी की बात करते हैं, मुझे भाई अनगिनत नेक के बदले मिली है, तो मैं तो इसलिए बताता हूँ कि जो बहन भाई मायूस है, नामीद है, मकान कपड़े की चक्कर में पड़े हैं, रोटी कपड़े के, वो भी शायद मेरी किसी बात से सुनकर उनको भी बरकत मिले। इसमें मैंने अब एक दिन 24,000 रुपया यूनिवर्सिटी में जमा कराया, दो तीन सब्जेक्ट बुक कर रहे हैं, बैटरी कितनी है, चारों टायरों के लिए 14,000 अभी है, गाड़ी के चारों टायर के जवाब दे रहे हैं, और कई काम बीच में पड़ गए। मेरी 1700 की दवाई, 2700 की दोनों की दवाई किया मेरी। अब ऐसा लगता है कि हम तो खुद कंगरे हैं, तो हम खुदा को कैसे क्या दे सकते। फिर वक्त आ गया, मैंने कहा भी आपको जो हमने गल्ला है सारे साल का, छोटे छोटे पैसे डालते रहे हैं, वो तोड़ के जो कुछ हमारा बनता है, हम फर्जी ने 3,000 रुपया पिछले साल दिया था बायरो सोसाइटी, अब जबकि हालात ऐसे कुछ भी नहीं दे सकते, गल्ला तोड़ा तो उसमें 1300 रुपया निकला, 1300, मेरी बहू ने 500 दे दिया, ये 1800, मेरी बीवी ने 2200 दे दिया, ये हो गए 4,000। अब एक शाम को आया तो उसको भी बता दिया, भाई तू भी अपना फर्ज पूरा करो, खुदा ने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ, उन्होंने 1000 रुपया दे दिया। इस तरह नामनासिब हालत कड़की में भी हम, मेरे खानदान ने 5,000 बायो सोसाइटी को दिया। तो अगर किसी समझ में आ जाए, हम अपना काम तो कर लेते हैं तो खुदा के लिए कह देते हैं आप हमारे पास मजबूरी है, तो आप ये खुदा ने बरकत दी है, आपको भी बरकत मिल सकती है। अगर किसी बहन भाई के टाइम हो गया, किसी के भी पास कोई वही है शर्तर, तो वो आ सकता है। आप ये दिन में पूरा होता है तो वही कहां से आए, मगर ये तो खुदा के साथ रफाकत के वसीले से वही और बरकत मिलती है। तो आप सब के साथ मैं अपने खुदा का, अपने खादिम का भी शुक्र करता हूँ, जो पूरा हफ्ता आंसुओं से हमारी हालत और हमारी लिए कलाम खुदा से हासिल करता है, वो हमारी हालत और ज़रूरत को खुदा के सामने रखते हुए जो खुदा ने उन्हें कलाम दिया है, मैं उन्हें दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ आपकी ज़ोरदार तालियों में। ब्रदर जवेद इकबाल गिल, आज हमारा ख़ास क्या प्रोग्राम है, रोज़े के हवाले से है और सेमिनार भी है। चचा जो है आप लोगों को दो तीन फ्राइडे से ये बात बता रहे हैं, और ख़ास जो मैं जिस बात पे ज़ोर देना चाहता हूँ, ये ब्रोशर के हवाले से भी उन्होंने बताया, बुक मार्क के बारे में भी बताया, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने इसको पढ़ा है, कितने लोग हैं जिन्होंने इसको पढ़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो थैंक यू। अब दूसरा सवाल मेरा ये है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें तो वाकई नहीं पता, अगस्त में हमारा क्या प्रोग्राम है, जिन्होंने पढ़ा है ये देख लो कि 9-10 आदमी थे जिन्होंने पढ़ा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगस्त में प्रोग्राम क्या है। हाँ, 3 रोज़ा हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 29, 30 और 31 अगस्त के महीने में। दुआ करें
कि खुदावंद खुदा हमें तफीक दे और रूहानी कराची के अंदर एक रूहानी रिवाइवल और बेदारी आए। और ऐसे बड़े प्रोग्रामों को जो है लाजमी बात है कि हमें रुपये पैसे की ज़रूरत होती है, और हर साल हम प्रोग्राम अपना करते हैं जो घरों में इबादत होती हैं। तो पिछले साल हमने अपनी बुक्स छुपवाने के लिए रोज़ों की इबादत का चंदा रखा था कि जितना पैसा होगा हम अपनी किताबें छुपवाएंगे। और इस साल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन रोज़ों की इबादत में जो आपके घरों में इबादत होंगी उसका हदिया हम इन तमाम बिशारती इबादत के लिए और खसूसन 29, 30, 31 अगस्त को जो हमारे तीन दिन का लगातार प्रोग्राम हैं उनको खुदा के सामने रखेंगे। और ख़ास तौर पर ये भी दुआ करें कि खुदामंद खुदा जगह का भी बंदोबस्त करे और हमारे ग्रुप के अंदर ये जो वन मैन शो है ये भी ख़त्म हो। मैं चाहता हूँ कि बहनों में से भाइयों में से आप लोग भी आगे आएँ, कलाम की तैयारी करें, दुआ में और कुदरत में आगे बढ़ें, ताकि खुदावंद खुदा हमारे ग्रुप के वसीला से बड़े बड़े काम करे और अपने नाम को जलाल दे। तो ये छोटा सा ख्याल था मैंने आपके सामने शेयर किया कि इन रोज़ों की इबादत का जितना भी हदिया होगा वो सारा हमारी बिशारती इबादत के लिए होगा। तो अब हम अपने मज़मून की तरफ आते हैं। मैं जहाँ रोज़ जो पढ़ता हूँ वाला तो मैं उस जगह पर इसको रखता हूँ और सुबह उठते ही इस पे हाथ रख के 12 महीने का जो प्रोग्राम है उसके लिए हम दुआ करते हैं। जिनके हाथों में खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ देख सकते हैं, नहमिया पहला बाब सफा 472 पेज 472 यहां लिखा है, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा और कई दिनों तक महतम करता रहा और रोजा रखा। और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, आए खुदावन आसमान के खुदा खुदाए अजीम मोहीब जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और तेरे हुक्मों को मानते हैं अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि दुकान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ। खुदामंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हम दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें कि खुदावंद आज के कलाम के लिए हमें प्रिपेयर करें, तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें बरकत पाने के लिए कलाम। आए खुदामंद खुदा, खुदा के पाक बर्रे, मेरे दिल के ख्याल और दिल के सोच तेरे जुर में कबूल ठहरें। आज के सेमिनार के लिए हमें प्रिपेयर कर और तैयार कर, जो हम हर साल रोज़ों के याम से पहले आए खुदावन टीचिंग लर्निंग सेशन रखते हैं। और खुदावन खुदा मैं नहीं बल्कि आपका पाक रू हम सब के साथ हम कलाम हो, जितने बहन भाई आ चुके तेरा शुक्र हो और दुआ करते तेरा खुदावंद खुदा वो रूह जिसका जिक्र हम यूहन्ना 14:26 में पढ़ते हैं कि जब रूहे हक आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और याद दिलाएगा। आए खुदावंद तू आज के कलाम के वसीला से, आए खुदा सेमिनार के वसीला से हम सीखें और बहुत ही लोगों को
सखाने का वसीला बन सकें। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आप जानते हैं कि आज सेमिनार था, और अगर मैं ये पूछूं कि कितने बहन भाई अपने साथ अपनी बाइबल, अपनी कॉपी, अपनी पेंसिल लेकर आए हैं, तो मेरा ख्याल है कितने हैं जो पेंसिल, कॉपी पेंसिल साथ लेके आए हैं। ज़रा ऊंचा हाथ करें ताकि सब लोग दे सकें। तो कुछ लोग हैं जिनको शौक़ है सीखने का, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं, वरना हम ऐसे ही खाली हाथ लटकाए हुए खुदा के घर में आ जाते हैं। तो तवज्जो के साथ, हम बाज़ दफ़ा ये सोचते हैं कि हमारा जहन बड़ा अच्छा है और जो कुछ हम सीखेंगे वो सब कुछ दिमाग में रहेगा, लेकिन अपने दिमाग पे आप इतना भरोसा ना करें, ये दिमाग भूलने वाला है, और इसलिए हम सीखें। और इसके साथ साथ अगर आप लेके आए हैं कॉपी पेंसिल, तो वो खुली रखें और हाथ में पेंसिल रखें और सीखें और लिखें, ताकि दूसरे बहन भाइयों को आप सिखा सकें। और आप जानते हैं कि हर साल हमारा रोज़ों से पहले टीचिंग लर्निंग सेमिनार होता है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग रोज़े के हवाले से जानते नहीं हैं, हम जानते हैं, तो अगर मज़ीद और जान लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। अगर हम जानते हैं, अगर और भी आज शाम हम याद कर लेंगे, सीख लेंगे, तो ये अच्छी बात है, ताकि हमें और ज़्यादा उसमें कलाम की डेप्थ में आगे हम जा सकें और हमें बरकत मिले। बल्कि बार बार सुनते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग के साथ ये मसला है कि ये भूलने वाला है, हम इंसान हैं और हम भूल जाते हैं, और इसलिए बातें दोहराते रहना चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए। और इसलिए खुदा का बंदा यशुआ कहता है कि ये बातें तेरी आंखों से आगे हटे ना, उठते बैठते चलते फिरते तू सीखता रहे और लोगों को बताता रहे, क्योंकि हमारा इंसानी जहन जो है वो भूलने वाला जहन है, और इसलिए हमें सीखते रहना चाहिए। तो बात हो रही है रोज़े के हवाले से, बहुत सारे सवालात होते हैं, लोग पूछते हैं कि रोज़ा क्या है, और रोज़ा कितने दिनों का होना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, क्या मसीह ने कोई तालीम दी है रोज़े के हवाले से, और क्या मसीहों को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और बहुत सारी और बातें हैं जो हम मिलकर खुदा के कलाम की रहनुमाई में हम सीखने की कोशिश करेंगे। रोज़े का कॉन्सेप्ट, हम इससे अपने मज़मून का, सेमिनार का आगाज़ करते हैं। रोज़े का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट। रोज़ा तमाम अकवाम आलम, तमाम मज़हब, तमाम अध्यान में पाया जाता है, और ये बात लग है कि हर एक मज़हब में उसके रखने का तरीक़ेकार, तवालत, अरसा मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ औकात में रोज़े रखे जाते हैं, लेकिन रोज़े का कॉन्सेप्ट हर जगह हर मज़हब में पाया जाता है। इससे पेशतर के लहामी मज़हब दुनिया में आते, और उससे पहले बुतपरस्त अकवाम दुनिया में थी। सबसे पुराना लहामी मज़हब जो है वो यहूदियत है, और उससे पहले हम ये देखते हैं कि बुतपरस्त अकवाम बसती थी, तो वो भी अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए रोज़े रखते थे। अक्सर शिकारी लोग जो शिकार करते हैं, जब जंगलों में रहते कुछ नहीं मिलता तो कई दिनों तक वो भूखे रहते, तो उन्होंने महसूस किया कि भूखे रहने से उनके जिस्म पे अच्छे असरात मरतब हुए हैं, उनका जिस्म हल्का हो गया है, उनका जेन हल्का हो गया है,
तो इसलिए हम कोशिश करें कि आप हफ्ते में ज़रूर आदत बनाएं कि हफ्ते में एक बार आप ज़रूर रोज़ा रखा करें। इस्लाम के अंदर जो है रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन मसीहत में रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं, क्योंकि ये ज़रिया निजात नहीं है। यहूदी लोग हफ्ते में दो और साल में 104 रोज़े रखते हैं, जिसका ज़िक्र आप लोगों को लुका 18 बाब उसकी 12वीं आयत में मिलेगा। और मसीही साल में 40 रोज़े रखते हैं। इस्लाम में हमारे मुसलमान भाई 30 रोज़े साल में रखते हैं और हिंदू 30 रोज़े रखते हैं वो भी साल में। तो ये मैंने रोज़े के हवाले से बात की। रोज़ा क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फास्ट, रोज़े का मफ़हूम क्या है। जब हम सबसे पुराने मज़हब के हवाले से बात करते हैं, अबरानी में रोज़े के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, एक मिनट के लिए मैं चाह दूँगा ये मैंने रखा ताकि आप लोग इसको देख सकें और सीख सकें। जो लफ्ज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आप इधर खड़े होंगे, ये दिखाएं आप लोग सीधा ऊपर करें। तो अबरानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, सोम, ताकि अगर कोई लिख रहा तो उसको लिखने में आसानी हो सके। साथ स्पेलिंग भी मैंने दिए हैं। और यही लफ्ज़ अरबी में भी इस्तेमाल हुआ है, और इसके साथ साथ यूनानी में लफ्ज़ क्या लिखा है पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो बोले क्या लिखा है, नेस्तिया। और ये मरकब लफ्ज़ है नेस्तिया, एन ई और ई एस जो आगे है इस्ताओ, और ने का मतलब है, नी का मतलब नहीं, नाट, इस्ताओ का मतलब टू ईट, यानी खाने से परहेज करना। तो और हिंदी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो भर्त है, और इन तमाम अल्फाज का मतलब है खाने पीने से क्या करना, परहेज करना, नफ्स कशी करना, अपनी जानों को दुख देना। तो खुदावंद खुदा, थैंक यू। तो ये अल्फाज मैंने कहे, अगर किसी का रह गया तो बाद में आप लिख सकते हैं। और उर्दू में लफ्ज जो है जो हम कहते हैं वो रोजा है, और इंग्लिश में फास्ट कहते हैं। तो अब जब हम लफ्ज रोजा कहते हैं तो अगर इसके उर्दू अल्फाबेट देखिए तो कितने इसमें आगे, चार हैं, और इन चारों को दो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो दो आपके पास पार्ट्स बन जाएंगे। रो बीच में डैश डाल दे और फिर जह, रो जह, रो का मतलब रोना और जह का मतलब क्या है, लेबर पेन, लेबर पेन, जैसे औरत जचकी के वक्त लेबर पेन से गुजरती है। तो क्या मतलब हुआ, दर्द के साथ रोना, तीसों के साथ रोना, आंसुओं के साथ रोना। लेकिन हमें तो आंसू आते नहीं। जान नाल्स कहता है कि अक्सर रात के पहरों में मुझे पात्र उठा देता और मेरे जिस्म के अंदर टीसें उठती थी, मैं रोता था, मैं चलाता था, मैं अपनी चारपाई पे लेट नहीं सकता था, मुझे मजबूरन चारपाई से नीचे उतरना पड़ता था, मैं अपने बिछौने पर बैठ जाता और टीसों के साथ दुआ करता था, अरे खुदामंद खुदा या तो मुझे स्कॉटलैंड दे दे या मुझे क्या दे दे, मौत दे दे, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अब इंग्लिश में लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, फास्ट। तो मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा इस चीज को जानने के लिए। अगर मैंने लिखा है तो ये आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने लिखा है ताकि आप लोग समझ जाएं। चार
उर्दू में भी चार हैं और इंग्लिश में भी जो लफ्ज़ है फास्ट का चार अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ एफ और ए, एस और टी ये क्या है। आप लोगों को ये बातें जो हैं बहुत कम किताबों में मिलेंगी। तो एफ का मतलब क्या है? फेलोशिप, खुदा के साथ फेलोशिप रखना। और एफ का मतलब क्या है? फोकस, यानी खुदा की जात पर जब हम रोजा रखते हैं तो खुदा की जात पे हमने क्या करना है? फोकस करना है। और एफ का मतलब फिक्स, यानी जब हम दुआ में बैठते हैं, रोजे में बैठते हैं, ये बात बताता चला जाऊं मैं कि दुआ, गौर से सुनिए, दुआ तो रोजे के बगैर हो सकती है लेकिन रोजा दुआ के बगैर नहीं हो सकता। तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि पहला लफ्ज मैं अभी बता रहा हूं फास्ट है, यानी हमने अपनी आंखें खुदा की तरफ लगानी है, खुदा की तरफ हमने अपनी तवज्जो लगानी है। और पूरे ध्यान के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ जब हम दुआ में बैठते हैं, फेलोशिप में बैठते हैं, तो ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ कहा जा सकता है। अगर मैं इसी एफ के ऊपर बोलूं तो शायद मैं अपना मजमून पूरा ना कर सकूं। और इसके आगे क्या है? ए। ए का मतलब क्या है कि जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी सफाई होनी चाहिए ना भाई, एडमिट योर सिन, अपने गुनाहों का क्या करें? इकरार करें, तौबा करें, कहे खुदावंद खुदा तू मेरी खताओं को मुआफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, ताकि जैसे जबूर मिस कहता है 68 में, क्या कि खुदा मेरे दिल में बदी होती तो मेरी तू ना सुनता है। तो हमें अपने गुनाहों का क्या करना चाहिए? इकरार करना चाहिए कि खुदावंद खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमारा राबता जो है खुदा के साथ सीधा हो जाए, क्लियर हो जाए। और तीसरा अल्फाबेट क्या है ताकि आप लोग मेरे साथ रहें? एस। एस बड़ा 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 जबरदस्त इसका मीनिंग है, सीक द विल ऑफ गॉड, यानी खुदा की राह को तलब करना, खुदा की मर्जी को जानना, टू फाइंड द विल ऑफ गॉड, टू सीक द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी की तलाश करना, खुदा के तालब होना, खुदा के सामने झुकना, यही मतलब ना रोजे का। जब आप रोजा रखते हैं तो आप खुदा की से रहनुमाई लेना चाहते हैं, खुदा से कुछ तलब करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, खुदा के तालब होना चाहते हैं। तो इसलिए कि जब हम खुदा के सामने झुकते हैं तो हम खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं। और कलाम भी यही कहता है ना भाई, कहां लिखा है? अबरानियों 12:12, तजर्बे से मालूम करो। पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमते याद ला के इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक और पसंदीदा है, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और तजर्बे से मालूम करो कि खुदा की तुम्हारी बाबत क्या मर्जी है। तो खुदावंद खुदा चाहता कि हम खुदा की मर्जी को जानें, तलाश करें। और आखिरी पॉइंट क्या है? टी। टी से क्या लिखा है? टारगेट। थैंक यू भाई, बैठ जाएं, आप लोगों की मदद का शुक्रिया। तो अब हम ये देखते हैं कि टारगेट का मतलब क्या होता है। अगर आप घर से निकलते हैं, गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं, सेल्फ लगाते हैं, और आपने गाड़ी तो स्टार्ट कर ली है, आपको पता ही नहीं कि आपने जाना कहां है, तो फिर आप लोग कहां जाएंगे? यानी जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आपको आपके इल्म में होता है कि आपने जाना कहां है, आपका टारगेट क्या है, आपने किस जगह पहुंचना है। तो इसी तरह जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए और हमारा कोई मकसद होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, क्यों क्यों हम रखना चाहते हैं। तो जब अभी हम बात कर रहे थे, पहला स्टेप जो था कि रोज़ा क्या है, और उसके बाद दूसरा सवाल हमारा ये है कि जब हम इस चीज़ को लेके चलते हैं तो हमारा मकसद, अभी हम उसी वर्ड के ऊपर है कि हमारा टारगेट होना चाहिए। तो
तो एक लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा जो मेडिकल में है, वो जानते डीटॉक्सिफिकेशन। डीटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? जो बाद नशा लोग करते हैं ना, तो नशा करने के लिए उनको ऐसी जगहों पे ले दिया, लेके जाया जाता है। अभी हम ये सीख रहे हैं कि व्हाट इज द फास्ट, तो फास्ट का मतलब क्या है? डीटॉक्सिफिकेशन। रोजे का मतलब क्या है? डीटॉक्सिफिकेशन। ये नया लफ्ज आप लोगों ने पहले कभी किसी से नहीं सुना होगा रोजे के हवाले से। तो यानी वहां वो लोग जो नशाई लोग होते हैं उनको ऐसे जगहों पे लेके जाया जाता है, वहां उनके ब्लड में से जितना पुराना पॉइजन होता है, जितना पुराना कचरा होता है, उस कचरे को क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है, ताकि उसको जो पुरानी इल्लत है, उसकी जो पुरानी खाशें हैं, वो क्या हो जाए? डीटॉक्सिफिकेट हो जाए, वो खत्म हो जाए, पॉइजन खत्म हो जाए, गंदगी खत्म हो जाए, उसका खून साफ हो जाए। और यही वो मफहूम है जो खुदा ने मुझे बताया कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़े की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन जमा हो जाता है ब्लड के अंदर, और बुरी ख्वाहिशें, बुरी आदत, गुनाह और ये सारी केमिकल जो है हमारे जिस्म में आ जाते हैं। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़े के वसीला से खुदा अपने पाक रूह के वसीला से हमारी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, यहोवा की, ताकि खुदावंद खुदा हमारे ब्लड को साफ करे, हमारे खून को साफ करे, हमारी रगों के अंदर रूल कुद्दस के वसीला से पाक रुजे गहरे तौर पर हमारी रगों में दौड़ने लगे, ताकि हम डिटॉक्सिफिकेट होके दुनिया को डिटॉक्सिफिकेट करने वाले हों। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, जाहो बरे की। क्योंकि ये टीचिंग है और मैं बीच में थोड़ा सा, मेरा वही स्टाइल है बशारती, और आप लोग तवज्जो से सुने। और आगे तीसरा पॉइंट ये है, रोज़ा पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में। पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में पूरी बाइबल में रोज़ा 54 बार इस्तेमाल हुआ है, 54 times। पुराने ऐदनामे में 34 बार और नए ऐदनामे में 20 बार। पुराने ऐदनामे में एक यहूदी कौम को मूसा के ज़माने में एक रोज़ा वो रखते थे, और उस रोज़े को शरई रोज़ा कहा जाता है, उस रोज़े को फर्जी रोज़ा कहा जाता है। ये लाजमी था, ये ज़रूरी था कि ये रोज़ा रखा जाए। अगर किसी के पास बाइबल है तो वो ज़रूर हवाले निकाल के मेरी मदद करे पढ़ने में। पर साहब आप आगे आ जाएं, आप बाइबल तो नहीं लाए होंगे, पर साहब आपको कह रहा हूँ, मैं नहीं लाए तो किसी से ले लें, या इधर से कोई बहन भाई निकाल के रखे। ये बार 23 बार, बहुत अच्छे पादरी साहब हैं, कह रहे मैं बाइबल नहीं लाया है। तो इबार 23 बाब उसकी 16वीं आयत, और इबार जो है 23 बाब उसकी 29 से 31 आयत लिखें, और इबार जो है और उसकी 26 आयत से लेकर 32 आयत तक हम पढ़ेंगे, और फिर गिनती 29 बाब उसकी 7। मैंने 3 हवाले बताए हैं, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इबार 16 बाब और उसकी 29 से लेकर 31 आयत तक, फिर दोबारा मैंने दूसरा हवाला बताया अहबार 23 बाब उसकी 26 से लेकर 32 तक, फिर मैंने हवाला आप लोगों को बताया गिनती 29 बाब उसकी 7 आयत। तो इन हवालों में से जो एक हवाला हम पढ़ लेते हैं, ताकि जो मैं बात कर रहा हूँ वो वाजिया हो जाए कि यहूदी लोगों को ये ज़रूरी होता था कि साल में वो एक रोज़ा रखते थे, ये शरी रोज़ा था और ये उन पर फ़र्ज था, जो नहीं रखते थे तो वो कौम से काट डाला जाता था। अहबार 23 बाब उसकी 26 आयत पढ़ रहा हूँ, और खुदा ने मूसा से कहा उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है, उसी रोज़ तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो,
और तुम अपनी जानों को क्या करना, दुख देना। और खुदावंद के जूर आशीन कुर्बानी गजराना, तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे, वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। तो मैंने ये बताया कि ये रोज़ा फर्जी था, ये रोज़ा शरई था, ये लाजमी था। जो लोग रोज़ा नहीं रखते थे वो उनको कौम में से काट डाला जाता था। और इस रोज़े को कफारे का रोज़ा कहते थे, यौमे कपूर कफारे का दिन था। और आप जानते हैं कि अगर आप लोगों को याद हो 70s में फलस्तीन, जब यहूदी कौम कफारे के रोज़े में थी, तो उन्होंने आनन फानन या उन पर कफारे वाले दिन हमला किया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो ये रोज़ा लाजमी था। और इसको हम देखते हैं कि जो पहली शरीयत की किताबें, 5 किताबें हैं, उनमें लफ्ज़ रोज़ा इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी हम पुराने अहदनामे की बात कर रहे हैं कि पुराने अहदनामे में रोज़ा, तो पुराने अहदनामे में बताया कि उनके लिए एक रोज़ा था, वो शरी रोज़ा था और फ़र्ज़ था और ये लाजमी था, और नहीं जगते थे जो उनको कौम से ख़त्म कर दिया जाता था, काट डाला जाता था। और पुराने अहदनामे में शरीयत की जो पहली 5 किताबें हैं, उनमें लफ्ज़ रोज़ा इस्तेमाल नहीं किया गया, रोज़ा नहीं आया, बल्कि अपनी जानों को दुख देना कहा गया है। ये तीनों हवाले जो मैंने बताए आप लोगों को, दो हवाले बार की किताब में से, एक गिनती में से, और 2 हवाले और नोट कर लें, इसमें जबूर 35 उसकी 13वीं आयत और साम 69 उसकी जो है 10वीं आयत है। तो ये हवाला जात इस बात को आपको बताएंगे कि रोज़े का मतलब जानों को दुख देना है। तो पुराने यातनामे में शरीयत में जानों को दुख देना कहा गया है। और रोज़े का जो पहली बार पुराने यातनामे में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो 1400 कबला मसीह लफ्ज़ रोज़ा इस्तेमाल हुआ है। अगर आप हवाला नोट करना चाहें तो कज़ात 20 बाब उसकी 26 आयत है, कज़ात 20 बाब उसकी 26 आयत है। ये पहली बार यहाँ पर लफ्ज़ रोज़ा इस्तेमाल आया, कज़ात से पहले लफ्ज़ जो रोज़ा नहीं बल्कि अपनी जानों को दुख देना कहा गया है। तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि मैं और आप जो है इन बातों पर हम गौर करें कि खुदावंद खुदा जैसे रोज़े के वसीला से जो कुछ हमें सिखाना चाहता है। तो अभी हम ये सीख रहे थे पुराने अहदनामे के हवाले से, लेकिन इसके बाद मूसा के ज़माने में एक रोज़ा था, लेकिन उसके बाद 4 रोज़ों का और इजाफा कर दिया गया था। वो क्या वजह थी वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इधर देख ले भाई, यानी 4, पहले एक रोज़ा था, एक से क्या हो गए 4 रोज़े। और आपके सामने ये हवाला जात लिखे हैं, स्कूते यरूशलेम, यानी महासरा, इसका मतलब क्या है, महासरा होना, गिर जाना और जंग की हालत में। इसका हवाला जो लिखा हुआ है यर्मिया 9:3 से यर्मिया 39:1 से 4 आया तक इसका जिक्र मिलेगा। नंबर 2 हैकल की बर्बादी, दूसरा सलातीन 25:8 से 9 तक। मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि ये अगर किसी के पास सीडी जाती है तो ये उन तक बात पहुँच सके। नंबर 3 जदलिया की कत्ल की याद में, इसका हवाला आपको मिलेगा दूसरा सलातीन 25:25 है। और यरूशलेम के महासरे की याद में दूसरा सलातीन और उसकी 25 आयत है। और थैंक यू भाई, थैंक यू नसरीन। तो ये पहले एक रोज़ा था और एक रोज़े के बाद कितने यहूदी रोज़े रखने लगे, 4 रोज़े। और इसकी रीज़न मैंने क्या बताई, यरूशलेम की तबाही और बर्बादी की वजह से उसकी याद में 4 रोज़ों का और उसको बढ़ा दिया गया। तो उसके बाद यही रोज़े जब वो वापस आ गए
यरूशलेम में, तो ये खुशी और खुर्मी के लिए ये रोज़े जो है रखे जाने लगे। ज़करिया 8 उसकी 18 और 19 आयत में आपको इसका ज़िक्र मिलेगा। यानी बाज़ लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे मतलब बहुत बच्चे खादम को थियोलॉजियन को सुना के उसके बाद 8 रोज़े हो गए, 8 नहीं हैं। यानी 4 पहले जो वो इसकी हैकल की याद में दुख में और उसकी तबाही बर्बादी की याद में रखते थे, वही रोज़े अब खुशी और खुर्मी का वसीला बन गए। अगर आप वाला नोट करना चाहें तो आप ये लिख लें जो मैंने आप ज़करिया 8 उसकी 18 और 19 आयत में यह हवाला आपको मिलेगा। ज़करिया 18 और उसकी जो है 18 और 19 आयत हैं। ज़करिया की किताब में से हम पढ़ेंगे। यह हवाला मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ पढ़ दिया जाए ताकि बात जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ जाए। ज़करिया 8 यहाँ लिखा है, और फिर रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाजल हुआ कि रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि 4वें और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोज़ा बनी यहूदा के लिए, यानी पहले दुख के लिए था, अब क्या लिखा है खुशी और खुर्मी का रोज़ा होगा। तो इसको मिला के बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो 8 रोज़े थे, 8 नहीं थे बल्कि 4 जो पहले दुख के लिए थे वही रोज़े कन्वर्ट हो गए खुशी में, तो 4 रहे। और फिर मसीह के ज़माने में आके यहूदी लोग साल में कितने रोज़े रखने लगे, अभी मैंने बताया था कितने रखने लगे थे, साल में 104 रोज़े रखने लगे थे। तो अगर ये हवाला भी मैं पढ़ दूँ आप लोगों के लिए, लूका 18 है और उसकी 12वीं आयत। एक फरीसी कहता है कि मैं हफ्ते में 2 रोज़ा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर क्या करता हूँ, दाई यकी देता हूँ। तो आप लोग सब मेरे साथ हैं ना भाई, अब मैं बताने लगा पुराने अहदनामे का एंड करूँगा, यहाँ पर हम नए अहदनामे की तरफ आएंगे। तो पुराने अहदनामे में मूसा के ज़माने में कितने रोज़े रखे जाते थे, जल्दी से बोले, 1, और फिर इजाफा हो गया 4 का, फिर जो है इजाफा कितना हो गया भाई, साल का नहीं, हाँ ठीक है चलो भाई मिला के 5, लेकिन कितने हो गए रोज़े, वो साल में 104 रखने लगे। पहले साल में 1 था, फिर साल में 4 हुए, फिर साल में 104 हुए, क्योंकि हफ्ते में 2 हो गए, तो हफ्ते में साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 होते हैं, 52 × 2 = 104, ठीक है। तो अब हम जो मसीह हैं, हमारा हम कहाँ पर हैं, वेयर वी आर, वो तो इतने रोज़े रखते हैं और हमारी हालत क्या है, हम सोचें इस बात पर हम गौर करें। अब हम नए अहदनामे की तरफ आते हैं। मसीही तसव्वुर रोज़ा क्या है, रोज़ा जो है सिर्फ अपनी जानों को दुख देना नहीं है बल्कि बदी से बाज रहना, अपनी अना और खुदी अपनी जात का इनकार करना और खुदा की मर्जी को जानना, लाही राजों को जानने के लिए खुदा के कदमों में बैठना और अपने आप को खुदा के सामने झाव की मन झकाना और राख और खाक और राख में बैठकर खुदा के लाही राजों को और भेदों को जानना, ये है मसीही रोज़ा, ये है तसव्वुर मसीही रोज़ा। यानी सिर्फ अपने पेट को दुख देना नहीं है बल्कि बदी से रोज़ा रखना, अपनी आंखों का रोज़ा रखना। आप जानते जो बाइबल के शिगिर्द हैं, अय्यूब कहता है खुदावंद मैंने अपनी आंखों से अहद किया है कि मेरी निगाह किसी कुंवारी पर ना जाए। यानी जब हम आंखों का रोज़ा रखना है, अपने जहन का रोज़ा रखना है, अपने हाथों का रोज़ा रखना है, अपने दिल का रोज़ा रखना है, अपने पैरों का रोज़ा रखना है, सिर्फ अपने पेट का रोज़ा नहीं रखना, खुदा के कदमों में बदी और इन सारी चीज़ों से लग होकर खुदा की तरफ, जो मैंने पहले बताया था, अपनी अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाना है और खुदा से खुदा की रहनुमाई हासिल करनी है।
खुदा की मर्जी को जानना है, खुदा के लाही भेदों को जानना है। यानी आप खुदा के कदमों में बैठें और मुश्किल बातें खुदा के सामने रखें तो खुदा आपको बताएगा। ये है मसीही तसव्वुर रोज़ा। और उसके बाद हम ये देखते हैं, शुरू में कलीसियाएं हफ्ते में दो दिन रोज़ा रखती थी, और पहली बार जो 40 दिन का रोज़ा है वो नकाया के कैनन में 325 ईस्वी में इसका जिक्र मिलता है। तो लाजमी बात है कि 40 का जो रोज़ा है, जो हमारी बुज़ुर्ग थे उन्होंने, मूसा ने 40 दिन रोज़ा रखा, खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा, तो इब्तदाई कलीसिया के जहन में भी ये बात होगी ताकि मसीही लोग भी साल में जो है वो 40 रोज़े रखें जैसे मसीह ने रखा। और इस तरह से 325 ईस्वी में पहली बार 40 रोज़ों का मसीही कलीसियाओं में आगाज़ हुआ, अगर कोई आपसे पूछता है तो। अब सवाल ये पैदा होता है, अक्सर बड़ी लेदे होती है, क्या मसीह ने रोज़े की तालीम दी है? अगर दी है तो क्या कहाँ लिखा है, क्या मसीहों को रोज़ा रखना चाहिए? मसीह ने तो रोज़ा रख दिया है, अब हमें क्या ज़रूरत है रोज़ा रखने की? तरह तरह की ऐसी बातें हैं, या तवे की रोटी नहीं खानी चाहिए, मशरूब इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, या दूसरी तीसरी चीज़ें जैसे लिक्विड ले लेना चाहिए, तो बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? तो हम, मैं इस सवाल को वाजिया तौर पर आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम में वाजिया तौर पर कहा है कि कैसा रोज़ा रखना है और कैसा नहीं रखना। गलत रोज़ा रखने से मना किया गया है, और सही रोज़ा रखने के लिए बताया गया है। मैं चाहता हूं कि आप इस हवाले को पढ़ लें, लुका मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से लेके हम 18वीं आयत तक देखेंगे। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि यहूदी लोग लोगों के सामने सड़कों पर मोड़ों पर खड़े होते, अपनी शक्ल को ऐसा उदास बनाते ताकि लोगों को पता चले किसने रोज़ा रखा हुआ है, ताकि लोग उसकी जो तारीफ करें। वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको क्या करें, रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे क्या करे, रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो अब यहाँ बताया गया एक पोशीदगी में रखने वाला रोज़ा है और एक जहरी तौर पर रखना। तो मसीह ने वाजिया तौर पर कहा है कि जो जहरी तौर पर रोज़ा रखना है, अपनी शक्लो सूरत उदास बनाना, अपने आप को इस तरह से जहर करना जैसे बड़े थके हुए हैं और बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे का हाल बिगड़ा हुआ है, ताकि लोगों को पता चले कि आप रोज़ेदार हैं। तो खुदा ने सख्ती से मना किया है कि इस किस्म का रोज़ा नहीं रखना। अगर आप इस किस्म का रोज़ा रखते हैं कि लोगों को पता चले, तो इसकी जो इसका अजर लोगों से आपको मिलेगा, खुदा से नहीं मिलेगा। और जो सही रोज़ा है वो क्या है, वो पोशीदगी में है, नोबडी नोज, किसी को पता ना हो कि आपने रोज़ा रखा हुआ है। और फिर आपने अपने सर में क्या करना है, तेल डालना है, और क्या करना है, फिर मुंह को धोना है, साफ सुथरा रखना है, ताकि आप फ्रेश नजर आए। आपने रोज़ा भी रखा हुआ है 24 घंटे का, तो लोगों को इल्म तक ना हो कि आपने 24 घंटे का जो है वो रोज़ा रखा हुआ है। एक वक्त था, अभी भी है, लेकिन ये कि वो उस वक्त मैं पूरे 40 रोज़े रखता था, 24 घंटे का रोज़ा रखता था, सारा दिन ड्यूटी भी करता था और गाड़ी भी अपनी चलाता था, स्टूडेंट को फील्ड में लेके जाना और सारा दिन करना। और अक्सर जब स्टूडेंट चाय का वक्त आना मुझसे पूछते तो मैं उनको किसी ना किसी बात से वो कर देता, लेकिन जब वक्त ऐसा आता तो मुझे बताना पड़ता कि मेरा रोज़ा है, तो वो हैरान होते थे,
कि सर आप 24 घंटे का रोज़ा रखते हैं, गाड़ी भी ड्राइव करते हैं, सुबह से लेकर 4:30 बजे तक आखिरी क्लास भी लेते हैं, पढ़ाते भी हैं, आपका लगता तो नहीं है कि आपने रोज़ा रखा हुआ। मैं कहा यही रोज़ा है, यानी जो पता ना चले कि आपने रोज़ा रखा हुआ है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, ये इस किस्म का रोज़ा खुदामंद खुदा हमसे चाहता है कि हम इस किस्म का रोज़ा रखें। और अगर एक और हवाला पढ़ लें आप अपने बाइबल को खोल के, तो वहाँ लिखा है मत्ती नामे बाप उसकी 14वीं 15वीं आयत में, बहुत सारे लोग उनके मसीह के पास या फकीर फरीसी आके खुदावंद से एक सवाल करते हैं, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, वो सवाल क्या था कि क्या बात है भाई, हम तो रोज़ा रखते हैं, यूना के शिगिर्द भी रोज़ा रखते हैं, तो तेरे शिगिर्द क्यों नहीं रोज़ा रखते। तो मसीह ने क्या जवाब दिया कि क्या जब तक दुल्हा उनके साथ है तो क्या तुम रोज़ा उनसे रखवा सकते हो। कभी आपने देखा है कि बारात में लोग रोज़े से हों? मैंने तो नहीं देखा भाई, आप लोगों को कोई लूँ। तो बारात के साथ जो बराती होते हैं, दुल्हा के साथ जो होते हैं, वो खुशी का मौका होता है, कोई उस वक्त शादी में रोज़ा नहीं रखता। लेकिन मसीह ने वाजिया तौर पर कहा कि एक वक्त आएगा कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तो फिर वो क्या करेंगे, रोज़ा रखेंगे, यानी लोग इनको सताएंगे, मुश्किल हालात आएंगे और ये रोज़ा रखेंगे। तो बहुत सारे लोग सोफिस्टिकेटेड सहल पसंद जो हैं वो अपनी अपनी इख्तराएँ ढूंढते रहते हैं कि मसीह ने 40 रोज़े रख लिए, हमारे लिए रख लिए, हमें रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है। बाइबल भरी पड़ी है, कैसे मूसा जैसे खुदा के लोग, नहमिया जैसे लोग, खुदा यीशु मसीह, यर्मिया, इन लोगों ने यशवा रोज़ा रख कर जो है दुनिया के हालात बदल दिए। तो बहुत सारे लोग, दुनियादार लोग जो हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। तो खुदामंद खुदा चाहता है कि मैं और आप भी खुदा के सामने झुकें और जो खुदा ने हमें कहा है उसके मुताबिक हम रोज़ा रखें। खुदा ने हमें वाजिया तौर पर हमें यह बताया है कब रोज़ा रखना है और कब नहीं रखना, कैसे रखना है। अब रोज़ा जो है मैंने बताया कब रखना है, कब खोलना है और कैसे रखा जाए, दुरानिया क्या है, पीरियड क्या है। तो हवाला जो अभी हमने पढ़ा था 23 बाब में, इसकी 32 आयत में पढ़ने लगा हूँ, एबार इबार 23 बाब उसकी 32 आयत, इस में तुम अपनी जानों को दुख देना, तुम उस महीने की नामी तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सब्बत मानना, यानी एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक, ये यहूदियों का रोज़ा था, एक शाम से दूसरी शाम तक। तो जो यहूदियों का रोज़ा है वही मसीहों का रोज़ा है, वो बदल नहीं गया। तो कैसे हुआ भाई, 24 घंटे का, आपकी जो अफ्तारी है वही आपकी सारी हुई है, यानी हमारे लिए एक ही चीज़ है, जहाँ से आपने रोज़ा खोला वहाँ से आपका रोज़ा शुरू हो गया। तो खुदामंद खुदा ये चाहता है कि हम कैसे खाएं, सॉरी कैसे रोज़ा खोले और रखने का तो हमारा रखने का और खोलने का एक ही वो है, ज़रूरत से ज़्यादा एहतमाम करना रोज़े की अहमियत को ख़त्म कर देता है। तो खुदामंद खुदा ये चाहता है कि हम नहायत संजीदगी के साथ और कफायत शारी के साथ और सादा तरीके के साथ हम रोज़ा रखें, जैसे खुदामंद का बंदा दानियल कहता है कि हमें साग पात दे दें, ये जो शाही खुराक है आप अपने लोगों को दें और हमें शाही खुराक खाने की ज़रूरत नहीं है। जब उनका मुकाबला किया गया तो नतीजा आपके सामने है, जब 10 दिन के बाद आए तो जिन्होंने साग पात खाया था वो उनसे ज़्यादा उनके चेहरे पर रौनक थी। हालेलुया। तो ये चीज़ है जो खुदामंद खुदा हमसे चाहता है। रोज़े का मैंने हवाले से बात की, टाइम की बात की, औकात की बात की, हमने रोज़े के आगाज़ के हवाले से हमने बात की और
फिर ये कि मैंने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि रोज़े के अंदर पानी पी लेना चाहिए, जूस पी लेना चाहिए या साफ़ डाइट ले लेना चाहिए, तो अगर आप मुझसे पूछे तो ये रोज़ा नहीं है। रोज़े का एक जुज हो सकता है लेकिन मकम्मल रोज़ा नहीं। एक को हम कहते हैं रेगुलर फास्ट, मकम्मल रोज़ा। तो मकम्मल रोज़ा गौर से सुनिए, मैंने क्या कहा कि रोज़े की अकसाम में ये बात आ जाती है कि रोज़े मुख्तलिफ किस्म के हैं। एक रेगुलर फास्ट है, एक पार्शियल है, जुज़वी रोज़ा है। तो रेगुलर फास्ट जो होता है, मकम्मल फास्ट जो होता है, उसमें खाने और पीने से मकम्मल परहेज़ किया जाता है। उसमें आप कोई चीज़ साफ डाइट नहीं ले सकते, उसमें मकम्मल तौर पर खाने से और पीने से ग्रेज किया जाता है, परहेज़ किया जाता है, खुदा के कदमों में बैठा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मकम्मल रोज़ा। और दूसरा जो है जुज़वी रोज़ा या पार्शियल रोज़ा जो है, इसमें हम मकम्मल तौर पर जो है पूरा खाना या मरगन चीज़ें जो है या ऐसी डाइट जो है लजीज खाने जो है उनसे हम परहेज़ करते हैं। अगर आप हवाला नोट करना चाहें तो दानियल की किताब में से आपको ये हवाला मिलेगा और उसके 10वें बाब में ये ज़िक्र आपको मिलेगा। दानियल 10वां बाब और उसकी दूसरी आयत, मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, मैंने लजीज खाना ना खाया, ना गोश्त और मैं ने मेरे मुंह में दखल पाया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका जिक्र है कि ये पार्शियल रोज़ा है, यानी 3 हफ्ते तक रोज़ा रखा गया। बाइबल के अंदर मुख्तलिफ हमें जो एग्जांपल्स मिलती हैं, 1 दिन का रोज़ा भी है, 3 दिन का रोज़ा भी है, 7 दिन का रोज़ा भी है, 21 दिन का भी रोज़ा है, 14 दिन का रोज़ा भी है और इसके बाद 40 दिन का भी रोज़ा है। तो अब खुदामंद खुदा ये चाहता है कि आप जैसे भी चाहते हैं आप पोशीदगी में रात को बैठें, खुदा के सामने फैसला करें कि आपने पार्शियल रोज़ा रखना है या मुकम्मल रोज़ा रखना है। दिस इज़ बिटवीन यू एंड योर गॉड। अब कुछ बहन भाई ऐसे हैं शायद जो मुकम्मल रोज़ा नहीं रख सकते, तो वो हल्की फुल्की सुबह जो है साफ डाइट ले सकते हैं, लेकिन अगर जो मुकम्मल रोज़ा रख सकते हैं वो मुकम्मल रोज़ा जो रखें 24 घंटे का, और इन सारी चीज़ों से क्या करना, हमने परहेज़ करना है। तो ये बातें थी कि नए अदना, पुराने अदनामे में मैंने बात की और फिर नए अदनामे में मैंने ये बात आप लोगों के साथ शेयर की कि ये रोज़े की बातें जो हैं। एक सवाल अक्सर लोग कहते हैं कि हम लोग संडे को रोज़ा क्यों नहीं रखा जाता, संडे को हम रोज़ा क्यों नहीं रखते। और इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल आपके रह जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे हर तरह हर एस्पेक्ट से मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, अगर कोई जेन में बात रह जाए तो आप बाद में सवाल कर सकते हैं। संडे को रोज़ा मसीही लोग क्यों नहीं रखते, इसका जवाब मैंने पहले भी आपको दिया, किसी को याद है कि वो वाला मैंने क्या बताया था, मत्ती की अंजील 9:14-15 आते हैं कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है वो रोज़ा नहीं रखते। तो लेकिन 3 मज़ीद बातें मैं बताने लगा हूँ, आपकी तवज्जो चाहिए, अपनी कापी पेंसिल का इस्तेमाल करें। तो 3 चीज़ें हैं फिजिकल क्रिएशन ऑन संडे। आदम जो बनाया गया था वो संडे के दिन बनाया गया था। नंबर 2 स्पिरिचुअल क्रिएशन, इमाल 2:2, जब रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ, कलीसिया की पैदाइश हुई, कलीसिया वजूद में आई, तो वो भी क्या था, हफ्ते का पहला दिन था, संडे था। रूहुल कुद्दस जो नाजिल हुआ वो भी संडे के दिन नाजिल हुआ। 2 बातें बताई मैंने, फिजिकल क्रिएशन एंड स्पिरिचुअल क्रिएशन ऑन संडे। 3री बात, विक्ट्री ओवर डेथ। खुदावंद यीशु मसीह भी संडे को जी उठा, जिंदा। तो इसलिए क्योंकि संडे का दिन क्या है, खुशी का दिन है,
और जब दूल्हा हमारे साथ हो तो फिर हम खुशी के दिन रोज़ा नहीं रखते। तो ये रीज़न है रोज़ा ना रखने की। अक्सर एक लफ्ज़ जो है लेंट का होता है, लोग पूछते हैं हमारे मुस्लिम बानी और हमारे अक्सर क्रिश्चियनों को भी नहीं पता कि लेंट सीज़न आ गया है, तो लोगों को पता नहीं कि लेंट है क्या, क्यों इसको लेंट कहा जाता है। ऐश वेनसडे से लेकर खुदावंद यीशु मसीह संडे को जिंदा हुए तो सैटरडे तक एक दिन पहले, ये 40 दिनों का जो अरसा है मसीही इस्तलाह में लेंट कहलाता है, इसको लेंट कहते हैं। और लेंट का लफ्जी मतलब है बहार, मौसम बहार, क्योंकि ईद फसा मौसम बहार में होती थी और यहूदियों की ईद का तल्लक भी ईद फसा के साथ था। तो इसलिए कलीसिया ने ऐसे हालात के लिए ऐसे लफ्ज़ का चुनाव किया जो इस मफहूम को वाजिया तौर पर बयान करता हो, इसलिए इसको लेंट का दिन कहा गया। अब जो ऐश वेनसडे है, कैसे आप अगले साल आज आप लोगों को मैं फार्मूला बताना चाहता हूं कि आप इस साल ही अगले साल के रोज़ों का ऐश वेनसडे निकाल सकते हैं। क्या अगले साल का ऐश वेनसडे कब होगा? आप सब मेरे साथ हैं? जो सो रहे हैं वो भी जाग जाएं। बड़ी ख़ास बात मैं करने लगा हूं कि अगले साल जो आने वाले सालों में आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे ऐश वेनसडे निकालना, कि अगले साल हमारे रोज़े कब शुरू होंगे। तो मैंने बताया कि ईस्टर जो है इसका तल्लक क्या है, चांद के साथ है, ठीक है। तो 21 मार्च के बाद पूरा चांद जो आएगा, पूरा चांद जिस तारीख को होगा उसके बाद का संडे ईस्टर होता है, और उस ईस्टर के दिन जिस तारीख को ईस्टर होगा तो आप उससे 46 दिन पीछे चले जाएं। बात समझ में आई नहीं आई? 46 दिन पीछे चले जाए तो वो दिन किसका होगा? ऐश वेनसडे होगा। तो इस तरीके के साथ आप निकाल सकते हैं कि आपका अगले साल के जो रोजे कब शुरू होंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि खुदामंद खुदा ये चाहता है कि मैं और आप रोजों में क्या करें। भाई रोजे में चार चीजें खुदा को हमें देनी चाहिए, रोजे में चार चीजें हमें देनी चाहिए। वो क्या चार चीजें, आप सुनने के लिए तैयार हैं? मैंने क्या कहा भाई, रोजे में क्या देना चाहिए खुदा को? हमें चार चीजें देनी चाहिए, और तीन का तल्लुक क्या है? जेब के साथ है, ठीक है जी। तीन का तल्लुक क्या है? जेब के साथ है। तो खरायत रोजे में देनी चाहिए। पुराने वक्तों में हमारे जो माँ बाप होते थे वो अक्सर गांव में आटा गूंथते तो एक दो मुठियाँ निकाल के लग रख दिया करते थे, और फिर पूरे 40 दिन का जितना आटा जमा हो जाता था वो खैरात कर देते थे या चर दे देते थे। और दूसरी बात क्या है? हदिया। नंबर तीन दाइयकी। ये चीज़ें हमने रोज़े में खुदा को देनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोज़े ही में हमने देनी है। आप समझ लीजिए तो बड़ा मसला हल हो गया, भाई ने हल कर दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं, गलत ना समझ लीजिए। यानी ये रोजे में तो देना ही देना है, बाकी 12 महीने भी इसको ऐसे जारी सारी रहना चाहिए। और यानी ये रोजों में डबल हो गया है, समझ में बात आई? अगर पुराने पिछले महीने जो भी खरायत आप करते हैं तो इसका मतलब है कि रोजों में आपने खरायत आपकी डबल हो जाए, और जितना हदिया देते हैं रोज़ों में वो आपका डबल हो जाए, जितनी दाय यकी देते हैं वो डबल हो जाए। आप कहेंगे भाई ने तो बड़ा मसले में डाल दिया, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसको आप दे रहे हैं वो सब जानता है, करके तो देखें, जमा के तो देखें। एक बात मैंने अभी नहीं बताई, एक और चीज़ हमने खुदा को देनी है, और वो क्या है? वक्त है, टाइम। खुदामंद खुदा चाहता है कि हम अपना वक्त खुदा को दें,
खुदा के कदमों में बैठें और बाइबल स्टडी करें, कलाम पढ़ें, खुदा से राजो न्याज की बात करें, रूहानी तौर पर आगे बढ़ें और तरक्की करें। और इसके साथ साथ टाइम आगे बढ़ रहा है, आखिरी बात कह के मैं कलाम को बंद करूंगा। और इसके साथ सेंट अगस्टीन ने कुछ कहा, बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। अगर कोई बहन भाई ये चाहता है कि उसकी दुआ जल्द प्रवास करके आसमान पे चली जाए, इफ एनी बॉडी विश दैट हिज प्रेयर फ्लाई टू हेवन देन गिव इट टू विंग्स, अपनी दुआ को दो पर लगा दें। और वो दो पर क्या हैं? वो दो पर क्या है? खिरायत और रोज़ा। ये दो चीज़ें अगर हम इसको लगा दें तो आपकी दुआ जो है वो जल्द खुदा के सामने पहुंच जाएगी, यानी फास्टिंग और आर्म्स गिविंग। तो जब हम ये करते हैं तो हमारी दुआ जल्द खुदा के सामने पहुंच जाती है। अब मैंने शुरू में लफ्ज जो है प्रेयर के हवाले से चार बातें बताई थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फास्ट, और इंग्लिश में क्या था, और आखिरी वर्ड बताया था मैंने क्या था, टी, एफ ए एस टी। टी का मतलब मैंने क्या बताया था, जल्दी से बताइएगा भाई, टारगेट है। तो अब मैं जल्दी से कुछ टारगेट आप लोगों को देना चाहता हूँ, होमवर्क देना चाहता हूँ। इन 40 दिनों में हम अपना टारगेट देखें कि वो क्या करना है। आप तवज्जो से सुनिए, अपनी सीट बेल्ट बांध लें, टाइट कर लें, हमारा तियारा जो फजा में बहुत बुलंदियों पे जाने वाला है, हालेलुया। और टारगेट को हम सुने, आप परेशान ना हो जाएं और होशियार हो जाएं। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? नंबर वन, तौबा और बहाली के लिए हमें रोज़ा रखना चाहिए। यूएल 2 बाप उसकी 12वीं आयत, अब भी मौका है, यानी कुछ बिगड़ नहीं गया। अगर आज तक हम खुदा से दूर रहे हैं, हमने लापरवाही की है, हमने बाइबल नहीं पढ़ी, हमने दुआ नहीं की, अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, नई जिंदगी हासिल नहीं की, तो यूएल कहता है अब भी मौका है, अब भी मौका है। तौबा और गिरियाजारी करते हुए अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चा करके आओ। यहूदियों के अंदर दस्तूर यह था, जब वो बड़े गुस्से में होते थे वो अपने कपड़े फाड़ देते थे, तो खुदावंद कहता है कि कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाह करके मेरे पास आओ। तो तौबा और बहाली के लिए हमें रोजा रखना चाहिए। नंबर दो, सीधी राह तलब करने के लिए। आज बड़ी बेराह रवि हमारी कलीसियों में पाई जाती है जी, हमारे खानदानों में बेराह रवि पाई जाती है। तो इन रोजों का याम ही हम खुदा से सीधी राह, जैसे मैंने पहले बताया था, टू फाइंड द विल ऑफ गॉड, टू सीक द विल ऑफ गॉड, ये वही मफहूम है। इसके लिए अजरा 8 बाप उसकी जो है 21वीं आयत का हवाला आप नोट कर लें। और नंबर 3, कौमी खतरे के वक्त, जब कौम के ऊपर, जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर हमारे ऊपर ये 295B और C की तलवार लटकती रहती है, जब आपको पता चलता है कि किसी के ऊपर तहीने वो हो गया है, तो उसके ऊपर कानून हो गया है, तो आप, ये कौमी मसला है, आप अपने उन बहन भाइयों के साथ मिलकर जो है रोज़ा रख के उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं। आस्तर 4 बाप और उसकी पूरा बाप ये बल्कि ये पढ़ सकते हैं। और दूसरा तवारीख 20:3-5 है, दो वाले मैंने बताए। जब कौम बनी इसराइल के ऊपर जो है हम देखते हैं कि आस्तर मलका बनी और हिंदुस्तान के अंदर, तो मर्दगी ने बताया और हमान उस वक्त था, और उसने कहा कि तमाम कौम को क्या कर दीजिए, कत्ल कर दिया जाए। कत्ल की वजह क्या थी, जल्दी से बताइए, किसी को याद है? हमान ने क्यों कहा था कि यहूदी कौम को सबको जो है खत्म कर देना चाहिए, वाई जी, जोर से बोले, खड़े होके बोले जो बताना चाहता है, आवाज नहीं आ रही। हाँ सही, बिल्कुल, यानी जब मर्दगी हमान बादशाह के दरबार से बाहर आता था, तमाम लोग उसके सामने खड़े करते, रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन मर्दगी नहीं करता था। वाई, मेरा ये सवाल था, क्यों क्यों नहीं झुकता था वो? इसलिए, गौर से सुनिए, वो इसलिए नहीं झुकता था कि जो वो पोशाक पहनता था, ये मेरा ये लगाया हुआ था, आगे पीछे भी नहीं हो सकता, कि जो उसकी पोशाक थी उसके ऊपर जो है वो उनका बुत का कुंदा था। तो यहूदी लोग जो हैं वो बुतों के सामने नहीं झुकते,
क्योंकि ये दूसरा हुक्म टूटता है, ये वजह जो लोगों को नहीं पता। सिर्फ इतना तो कह देते हैं कि वो झुकता नहीं था, लेकिन वजह नहीं पता किसी को भी क्यों नहीं झुकता था, क्योंकि उसकी पोशाक के ऊपर बुत की शक्ल जो है वो कुंदा थी। इस वजह से यहूदी लोग जो है किसी बुत के सामने नहीं झुकते। क्यों? इसलिए झुकते क्योंकि ये दूसरा हुक्म का जो है वो इससे टूट जाता है, इस वजह से वो नहीं झुकते थे। तो कौम बनिसरा पर जब ये तलवार लटक गई और उसने बता दिया, तो लिखा है कि मर्द की ने इस बात को आस्तर तक पहुंचाया, अगर तू खामोश रहेगी नजात तो यहूदियों के लिए कहीं और से आ जाएगी, लेकिन याद रख के तू भी अपने महल में नहीं बच सकती, क्योंकि उसने पहले बता दिया था कि हम क्या हैं। जब उसे पता चला, वो अपनी जान हथेलियों पर रख कर, क्योंकि उस वक्त का दस्तूर ये था कि जब तक बादशाह मलका को नहीं बुलाता था, उसकी बुलाहट नहीं होती थी, और मलका बिन बुलाए बगैर बादशाह के इजाजत के बगैर बुलाए दरबार में जाती थी, तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन यहां कुछ हुआ, बादशाह ने आस्तर को नहीं बुलाया। एक तरफ ये कानून है, उसे यह भी पता है कि मैं अगर जाऊंगी तो मैं कत्ल हो सकती हूं। दूसरी तरफ उसकी अपनी कौम है। अब सोचे कि वो किस कश्मकश में है। कौमी खतरे की हालत में हमें क्या करना चाहिए? रोजा रखना चाहिए। तो उसने मर्दगी को जवाब दिया, मैं मरी तो मरी, मेरी सहेलियां भी, हम तीन दिन तक ना कुछ खाएंगे ना पिए, आप भी रोजा रखें, और कसरे सोसन वालों को, तमाम यहूदियों को भी बता दें वो भी रोजा रखे, कौमी रोजा, इज्तमाही रोजा इसको हम कहते हैं, उन्होंने रोजा रखा। और दूसरा वाला मैंने दूसरा तवारीख 20 बार बताया था कि वहां पर भी जब हम देखते हैं कि तमाम लोग जो हैं उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो अमालिकी तो शाह इसराइल ने रोजे की मनादी कराई थी। तो अब हम ये देखते हैं कि जब उन्होंने रोजा रखा तो मौत क्या की जिंदगी में बदल गई, मौत का फतवा जिंदगी में बदल गया। ये कैसे मुमकिन हुआ भाई? दुआ और रोजे से। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुआ और रोजे से खुदा के इरादों को हम बदल सकते हैं। दुआ और रोजा लोगों की सोचों को बदल देता है, लोगों के जहनों पर मुस्बत नतायज मरतब करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी जान हथेली पे रख के बादशाह के पास गई थी। उसे नहीं पता था कि मैं वापस जिंदा भी आऊंगी या नहीं आऊंगी। ये है कौम के लिए जज्बा। हमारा जज्बा क्या है? कितने बच्चे गंदी नालियों के अंदर सड़ रहे हैं, शराब की हालत में पड़े हुए हैं, उठ रात के पहरों में दस्ते दुआ बुलंद कर, बच्चे गलियों में भूख के मारे मदहोश पड़े हैं। आप कहें ये भाई ने कहाँ से हवाला बता दिया? यूएल 2 बाब उसकी 18वीं आयत का मैंने हवाला दिया है। और खुदावन चाहते हैं आपके आज हमारी नौजवान नस्ल जो है खुदा से दूर जा चुकी है। हमारी कलीसियों की हालत ऐसी है, मौत चारों तरफ से खिड़कियों से झांक रही है। तो आज ज़रूरत है कि मैं और आप क्या करें? रोज़ा रखें। और ये दूसरा तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, मैं जल्दी से स्पीड से आगे जा रहा हूँ। नंबर 4, रूहानी जंग की तैयारी और आजमाइश और शैतान पर फतह पाने के लिए हम रोज़ा रखें। जैसे कि मसीह यसु ने मत्ती की अंजील 4 बाब में, लूका 4 बाब में अपनी रूहानी जंग की तैयारी के लिए रोज़ा रखा, और लिखा है कि जब वो यर्दन से वापस आया, बियाबान से वापस आया, तो ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। वो बियाबान से रूल कुद्दस से भरा हुआ वापस आया। और नंबर 5, खुदा का तालब होने के लिए हमें रोजा रखना है, जो वाला मैंने पहले बताया था आप लोगों को, दानियल 9 बाब और उसकी 3री याद, खुदा की तरफ रुख करना, तालब होना, यानी जो रोया उसको मिली थी, जो कलाम उसको मिला, तो उसको समझने के लिए वो खुदा के सामने झुका 21 दिन तक वो दुआ करता रहा ताकि वो रोया उसको समझ में आ जाए। और फारस का मुवक्कल जो है, दुआ तो उसकी पहले दिन सुनी गई थी,
लेकिन फारस का मुवक्कल जो है वो उसकी दुआ में रुकावट बना रहा है। 21 दिन तक वो दुआ उसकी ने रोकी रखी। शैतान कोई छोटा मोटा नहीं है, खुदा के मुकाबले में दूसरी कुव्वत है। अगर हमारी दुआ जो अबलीसी कुव्वतों से बढ़कर नहीं होगी, हमारी दुआ भी आसमान से ऊपर नहीं जाएगी। अक्सर हमारी दुआएँ जो छत के नीचे नीचे रह जाती हैं, ऊपर जाती नहीं हैं। और खुदावंद खुदा चाहता है वो रोया को समझने के लिए, विजन को समझने के लिए, कलाम को समझने के लिए उसने रोज़ा रखा और 21 दिन का उसने रोज़ा रखा। आप शफा के लिए, अपनी हीलिंग के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। दूसरा सैमुअल 12:14-19 तक। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि इन अयाम के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। और आठवां पॉइंट है यसाया 58:6-7 तक, वहाँ पर भी 9 पॉइंट हैं, टारगेट हैं क्यों हमने रोज़ा रखना है। तो ये बातें अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद हम दुआ में झुकेंगे कि खुदामंद खुदा जो है हमें दुआ के लिए, कलाम के लिए तैयार करे। तो अभी हमने ये सीखा था कि दुआ में हमें क्या देना चाहिए और रोज़ा हमें क्यों रखना चाहिए। और हमने ये सीखा कि हम इसलिए रोज़ा रखें, अगर हम शायद सोचते हैं हम बीमार नहीं हैं, हम सेहतमंद हैं, लेकिन एक बीमारी तो है ना भाई, जिससे हम अक्सर इनकार करते रहते हैं, और वो बीमारी कौन सी है? गुनाह की। वो रूहानी बीमारी है, हम उसकी वजह से रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, डेड हैं, हमारे अंदर कोई कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है। तो खुदावंद चाहता है कि मैं और आप इन अय्याम में 40 दिनों में, जैसे खुदावंद खुदा 40 दिन तक बियाबान में रहा, गर्मी और सर्दी की हालत में रहा, जानवरों में रहा, ऐसे जो जंगली जानवरों की हालत में रहा, कोई वहाँ पर जो राम दे, हम तो रात को राम से अपने राम दे गद्दों पे सोते हैं, जंगल में कैसे महसूस होता होगा, कैसे हालात होंगे, और उन हालात में उसने 40 दिन तक रोज़ा रखा। और जब इसका असर क्या हुआ, लिखा जब वो वापस यर्दन से लौटा, जंगल से लौटा, तो क्या था कि ही वॉज फिल्ड विद द माइटी पावर ऑफ होली स्पिरिट, वो रूल कुदस से भरा हुआ था। आज जरूरत इस बात की है कि मैं और आप रोजा रखें, अपने दरवाजों को बंद कर ले। यसाया 26:20 में याद में लिखा है कि अपने खिलवत खानों में दाखिल हो जाओ, पीछे से दरवाजा बंद कर लो, थोड़ी मुद्दत के लिए अपने आप को दुनिया से छिपा लो। तो उस कमरे में बैठ के क्या करना है कि आप दुआ करें, खुदा से कुव्वत मांगे, ताकि खुदामंद खुदा आसमान से अपनी कुदरत को नाजल करे, ऐसे जैसे शिगिर्दों पर पाकरू नाजल हुआ। जब उन्हें पाकरू मिल गया तो उन्होंने चांदी बरसों में दुनिया की सारी हिस्ट्री को बदल के रख दिया। लोग अब वो बेदार हो गए और दलेर हो गए, दुनिया की कोई ताकत उनका मुंह बंद नहीं कर सकती। व्हाई? बिकॉज़ दे आर फिल्ड विद द माइटी पावर ऑफ होली स्पिरिट। और इसी तरह से मसीह यीशु भी यर्दन से रूह कुदस से भरा हुआ वापस आया, और उसके वसीला से फोकल फितरत और ये सारे काम होते थे। हालांकि वो तो खुद खुदा था, उसको रोजा रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मसीह की जिंदगी में दो जातें थी, कामल इंसान और कामल खुदा। कामल इंसान होने के नाते से उसने मुझे और आपको सबक दिया है कि अगर मसीह को जरूरत है रोजा रखने की, तो मुझे और आपको भी रोजा रखने की जरूरत है, ताकि इन दिनों में हम रोजा रखकर, जैसे दानियल खुदा का तालब हुआ, उसने खुदा की तरफ रुख किया, हम बाइबल को पढ़ें, मुश्किल बातों को समझें और ज्ञान ध्यान लगाएं। और खुदामंद खुदा चाहता है कि बड़े बड़े रात और भेद उस वक्त आते हैं जब ब्रेन जो हमारा रेस्ट में होता है, जब हमारा ब्रेन क्वाइट होता है, जब दुआ में आप बैठ जाते हैं और आप बिल्कुल दुआ में खो गए हैं, आपको पता नहीं है। एक वक्त ऐसा भी बीच में आता है कि आपका लिंक, आपका और आपके खुदा का लिंक हो जाता है, फिर बातें, फिर रेमा, फिर कुदरत और कलाम के गहरे भेद आप पर नाजल होने शुरू हो जाते हैं। और 11 रोजे में हमें क्या देना चाहिए, 4 बातें मैंने बताई थी, याद है जो भूल गए? हमें क्या करना चाहिए, 3 का तलक अपनी जेब के साथ है। तो पहली बात क्या है, खरायत, और दूसरी बात क्या है, हदिया, तीसरी बात क्या है, दायकी, और चौथी बात क्या है, वक्त।
तो ये मैंने इख्तसार के साथ बहुत कुछ कहा, ये तो बहुत बड़ा मज़मून है। और अब आप लोगों के पास वक्त है, अगर कोई आप लोगों का सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। कोई आपके जहन में उलझन है, क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं हुआ, फील फ्री। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सारे सवालों का जवाब होगा। अगर कोई सवाल का नहीं होगा तो मैं बताऊंगा कि अगले संडे, अगले फ्राइडे मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई जवाब मेरे पास से आपको ना दे सका तो। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछें। आप लोगों के पास मैंने कहा था कि अगले फ्राइडे जब आप आएँ तो अपने क्वेश्चन सारी बातें तैयार करके आएँ। कोई सवाल नहीं है। अब मैं आप लोगों से सवाल करूंगा और जो सही जवाब देने वाले होंगे उनको इनाम मिलेगा, ठीक है। हमारे ग्रुप के जो कैलेंडर हैं, 50 रुपये का एक कैलेंडर है, तो जो सही जवाब देगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने मौका दिया था, आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं है कोई भी सवाल, तो भाई कैलेंडर ले आए यहाँ पर। तो जितने लोग सही जवाब देंगे मकाब जी, ये रोज़े का सवाल नहीं है, वो उनका डबल थे मूसा ने। और ये सवाल जो है मैंने रखा हुआ ये कि सेशन अगर आपने ये पढ़ा हो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, तो ये इसका रेलिवेंट नहीं है। एक याद रखे, पहले चचा ने कहा था सवाल वो करने हैं जो ग्रुप के मजमून के साथ हों। तो लीशा के डबल थे, उसने 28 रखे थे और उसके 14 रोज़े थे और 14 मौजा थे, लेकिन इसका लिंक इसके साथ नहीं है जी। लीशा के डबल डबल थे, अट्ठाईस और 14 जी। कैलेंडर में लेके आया हूँ, गाड़ी पे उधर नहीं लेके आया बात, तो गाड़ी में देखो फिर मैनुअल कैलेंडर ले गया, निकाल दिया था आपने कैलेंडर क्या। चले जी, हम टाइम वे पकड़ा दो ना किसी को, चाबी इसके पास। हाँ, आप लोग तैयार हैं, और मैं ये चाहूँगा कि जो हिस्सा लेना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं, जो बहन भाई हिस्सा लेना चाहते हैं स्वास्थ्य थोड़ा सा माहौल को अच्छा बनाएं हम लोग, जो थोड़ा हिम्मत खड़े बांधे अपने, जो इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं खड़े हो, क्या बात है, वह बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, बड़े छोटे सब शामिल हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो।